हेलो एंड वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न आर्किटेक्चर सीरीज़। इस सीरीज़ में अभी तक हम बात कर चुके हैं हमारे तीन टॉपिक, मेसोपोटामियन आर्किटेक्चर, इजिप्शियन आर्किटेक्चर एंड ग्रीक आर्किटेक्चर। आज का जो लेक्चर है वो रहेगा रोमन आर्किटेक्चर के ऊपर। और अभी तक आपने ये तीनों वीडियो नहीं देखी हैं तो आप जाके प्ले लिस्ट में हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न आर्किटेक्चर प्ले लिस्ट देख सकते हैं और वहाँ से सारी वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ और इस सीरीज़ में जितने भी लेक्चर्स हैं उन सभी की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर जाके मिल जाएगी और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। आप वहाँ से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रोमन आर्किटेक्चर। तो जो रोमन आर्किटेक्चर है वो ग्रीक आर्किटेक्चर के बाद आया था और ये जो रोमन आर्किटेक्चर वो ग्रीक आर्किटेक्चर से काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड था। ये डेवलप्ड था इन टर्म्स ऑफ देयर इंजीनियरिंग। तो जो रोमन आर्किटेक्चर था इसे हम हमेशा अक्सर कहते हैं जो रोमन्स थे वर द ग्रेट ग्रेट इंजीनियर्स, मतलब जो उनकी स्ट्रक्चर में जो इंजीनियरिंग हम देखते हैं वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ग्रेट इंजीनियरिंग है। तो उनके कुछ आर्किटेक्चर्स जो टेक्निक्स हैं, जो एलिमेंट्स उन्होंने यूज़ करे थे वो आर्चिस, डोम्स, वॉल्ट कॉलम्स एंड एक्वाडक्ट्स जो काफ़ी फेमस है, ये एक्वाडक्ट्स ये अलग टेक्निक है। इसके इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्रीक आर्किटेक्चर से कुछ चीज़ें इन्होंने पिक करी और अपने रोमन आर्किटेक्चर में उस चीज़ का यूज़ किया, लेकिन थोड़ा सा डेवलप करके इन्होंने वो सारी चीज़ें यूज़ करी। आर्चिज और डोम्स तो ग्रीक आर्किटेक्चर में भी था, लेकिन वही आर्चिज और डोम को रोमन्स ने ग्रीक आर्किटेक्चर से लिया और डेवलप किया और अपने रोमन आर्किटेक्चर में उसे ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ किया। और जो आज का मॉडर्न आर्किटेक्चर है वो कहीं ना कहीं बेस करता है इस रोमन आर्किटेक्चर से। बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आज भी हम यूज़ करते हैं जो उन्होंने रोमन्स ने यूज़ करी थी अपने टाइम में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो एक बिल्डिंग्स भी देखेंगे, इनके टेक्निक्स भी देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं रोमन फिलोसफी की। रोमन्स की फिलोसफी क्या थी, ये क्या कहते हैं, वी बिलीव दैट लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय क्लाउड कोलाइडिंग वेयर एज दे बिलीव दैट क्लाउड कोलाइड इन ऑर्डर टू क्रिएट लाइटनिंग। मतलब बेसिकली इनका मानना ये है कि जितनी भी नेचर में जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका कुछ मीनिंग्स होता है। ये गॉड पर बिलीव करते थे, लेकिन जितना ग्रीक लोग गॉड पर बिलीव करते थे उनका बहुत ज़्यादा बिलीव था गॉड्स पर, लेकिन ये थोड़े साइंटिफिकली ज़्यादा सोचा करते थे। ये कहते थे कि जो ग्रीक्स हुआ करते हैं वो हर चीज़ को गॉड का जिम्मेदार हो जाता है, मतलब जितना भी कोई भी एक्टिविटीज़ हो रही है उनको उन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी गॉड पर दे देते हैं कि गॉड ने ऐसा किया। लेकिन ये मानते हैं कि हर चीज़ का एक मीनिंग होता है, वो कुछ एक मीनिंग या कुछ एक चीज़ को एक्सप्रेस करता है। तो इनका बिलीव था, ये ज़्यादा साइंटिफिकली थे एज़ कम्पेयर टू ग्रीक्स। तो इनकी मेन फिलोसफी ये थी। अब बात करते हैं आर्किटेक्चर टाइपोलॉजी की। वहाँ पे रोमन आर्किटेक्चर में क्या टाइपोलॉजी था, जनरली ये भी रिलीजियस लोग थे, इन्होंने भी काफ़ी टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करवाए थे, लेकिन ये टेम्पल्स के अलावा इन्होंने बहुत सारी और चीज़ें भी कंस्ट्रक्ट करवाई थी। जैसे अगर हम सिविल बिल्डिंग्स की बात करें तो पब्लिक बिल्डिंग्स में बेसिली का बार टेप्स उन्होंने बनाया था, स्पेक्टेकल्स जो बिल्डिंग्स होती हैं जिसमें बहुत सारे लोग आके कोई भी चीज़ स्पेक्टेट करते हैं, वहाँ पे ऑडियंस बन के आते थे, थिएटर, एमपी थिएटर, सर्कस। तो इनकी बिल्डिंग्स में काफ़ी चीज़ें थी। डोमेस्टिक्स में बात करें तो हाउस, विलेज, पैलेसेस इन्होंने बनाए थे, फ्यूनरी में टॉम्स भी बनाए थे। तो मतलब काफ़ी वैरायटी ऑफ बिल्डिंग्स हमें देखने को मिलती है रोमन आर्किटेक्चर के अंतर। और इनके इंजीनियरिंग्स वर्क्स हैं जैसे ब्रिजेस और एक्वाडक्ट्स काफ़ी फेमस होते हैं इनके, आज भी बहुत बेस्ट एग्जांपल्स हैं ब्रिजेस और एक्वाडक्ट के रोमन आर्किटेक्चर के अंदर, ठीक है। तो अब बात करते हैं ओरिजिन ऑफ रोमन आर्किटेक्चर। रोमन आर्किटेक्चर एक्चुअली ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, बेसिकली ये सिंपल सी बात है, जो रोमन आर्किटेक्चर है वो ओरिजिनेट हुआ, इनका बेस था, रोमन आर्किटेक्चर का बेस था ग्रीक आर्किटेक्चर। उन्होंने ग्रीक आर्किटेक्चर से बहुत सारी चीज़ें पिकअप करी और उसको रेक्टिफाई किया अपने आर्किटेक्चर टेक्निक में, और फिर वही आर्किटेक्चर टेक्निक रोमन आर्किटेक्चर हुई। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो भी ग्रीक आर्किटेक्चर में जो टेम्पल्स हुआ करते थे उनके कॉलम्स थोड़ा सा अंदर की तरफ हुआ करते थे, इन्होंने वही टेम्पल्स टेक्निक को पिक किया और वो जो कॉलम्स थे जो कि अंदर की तरफ रहते थे उनको बाहर की तरफ पुश आउट कर दिया। अब देख सकते हैं इस वाली इमेज में जो कॉलम्स है वो एक्सटीरियर वॉल्स पर प्लेस है। तो इससे क्या हुआ कि इनके अल्टीमेटली जो इनके टेंपल का एरिया है वो एरिया बढ़ गया और स्ट्रक्चर तो वैसे भी स्टेबल है ही।
तो इन्होंने कुछ बेसिक सी चेंजेस करी स्ट्रक्चर में और काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर ही बनाने गए। बिल्डिंग मटेरियल जो थे वो काफ़ी वैरायटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल यूज़ किया करते थे, अनलाइक ग्रीक आर्किटेक्चर। ग्रीक आर्किटेक्चर में हमने देखा था कुछ लिमिटेड बिल्डिंग मटेरियल्स वो यूज़ किया करते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा बिल्डिंग मटेरियल यूज़ किया करते थे एज़ कम्पेयर टू ग्रीक आर्किटेक्चर। यहाँ पर भी लिमिटेड है, हम मैं इन कंपेरिजन टू ग्रीक आर्किटेक्चर की बात करेंगे। जब रोमन की बात होती है ग्रीक के साथ कंपेयर होता है, और जब ग्रीक की बात होती है रोमन के साथ कंपेयर होता है, तो ये दोनों आर्किटेक्चर आपस में कंपेयर होते हैं। तो इसीलिए जितनी भी बात होंगी एज़ कम्पेयर टू रोमन एज़ कम्पेयर टू ग्रीक, हम रोमन आर्किटेक्चर की बात करेंगे। तो इनके कुछ बिल्डिंग मटीरियल्स हैं जो ये यूज़ किया करते थे, जैसे चौक, सैंड, पोजोलैनिक कॉन्क्रीट, ब्रोकन पोल्ट्री, लाइम, सैंडस्टोन। जैसे लाइम का जो लाइम मटीरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट मटीरियल था, मार्बल, ग्रेनाइट के साथ साथ वो वुड, टेरिकोटा, सेरेमिक, टिन और आयरन का भी यूज़ किया करते थे। हालांकि ये काफ़ी लिमिटेड मटेरियल्स हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू ग्रीक आर्किटेक्चर ये बहुत ज़्यादा कम मटीरियल हैं। जो ग्रीक आर्किटेक्चर में वो इतने मटीरियल अवेलेबल नहीं थे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा मटीरियल है। बात करेंगे बिल्डिंग मटीरियल्स के साथ साथ इनके टूल्स की, क्योंकि इनके पास बिल्डिंग मटीरियल्स काफ़ी वैरायटी के बिल्डिंग मटीरियल्स हैं। मैंने अगेन कहूँ एंड कंपेयर टू ग्रीक आर्किटेक्चर, तो इनके पास जो टूल्स हैं, जो टूल्स इन्होंने यूज़ किए थे अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, उनके पास काफ़ी वैरायटी ऑफ टूल्स थे। मतलब प्लेन स्लाइस, कैपलर्स, हैमर्स, स्क्वायर, ट्री प्लान, गोजेस, चीजल्स, तो सॉ ब्लेड्स, फोल्डिंग रूल्स, मतलब इनके पास भी वैरायटी ऑफ टूल्स थे। टूल्स होने का क्या मतलब होता है? अगर हमारे पास अच्छे टूल्स होंगे, अगर जो हमारे पास टूल्स जो हैं वो अगर अच्छे हैं, तो हमारा जो अल्टीमेटली आउटपुट आएगा, जो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो भी काफ़ी अच्छा आएगा। अगर आपके पास अच्छे टूल्स ही नहीं हैं, तो आप कैसे कोई बिल्डिंग को अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि उनके पास कितने टाइप के टूल्स थे। तो उनके पास काफ़ी टाइप के टूल्स थे, और जिससे क्या करते हैं वो अपनी बिल्डिंग्स को इतना एक्यूरेटली बना पाए उस टाइम में, क्योंकि उनके टूल्स काफ़ी अच्छे थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है टूल्स की हम बात करते हैं। तो बात करेंगे नेक्स्ट रोमन इनोवेशंस की। तो रोमन ने क्या इनोवेट किया अपने आर्किटेक्चरल स्टाइल में? तो स्टार्टिंग विद कॉलम्स, हमने देखा जो ग्रीक आर्किटेक्चर में जो तीन इनके ऑर्डर्स थे, डोरिक, आयोनिक और कॉर्निथल, इन तीन जो ऑर्डर्स थे इनके पास इन्होंने दो ऑर्डर्स और प्लस कर दिए। मतलब इन्हीं तीन ऑर्डर्स में दो ऑर्डर्स और इन्होंने एड ऑन कर दिया। तो सबसे पहला इन तीन ऑर्डर्स के बाद जो था, जो ग्रीक के तीन ऑर्डर्स थे, उसके बाद फोर्थ ऑर्डर यहाँ पर इन्होंने नया एड किया, और टस्कन ऑर्डर्स। ये टस्कन ऑर्डर्स ऑफ कॉलम थे वो काफ़ी सिंपल कॉलम थे। मतलब कंपेयर किया जाए कॉर्निथल जो कॉलम टेक्निक ऑर्डर था ग्रीक का, उसके कंपैरिजन में थोड़ा सिंपलर था। इसका जो प्लेन बेस था, कैपिटल इनका प्लेन था, और इसमें कोई ऐसा नो डेकोरेशन थी, कोई ज़्यादा खास डेकोरेशन थी नहीं। आप देख सकते हैं इसमें जो इमेज है, काफ़ी हद तक ये प्लेन कॉलम्स हैं और कुछ ज़्यादा ऐसा कोई डेकोरेशन नहीं है। हाँ, आप कंफ्यूज नहीं होना उसके डोरिक स्टाइल से। डोरिक स्टाइल में यहाँ पर बहुत सारे फ्लूट्स रहते थे, डोरिक में रहते थे 20 फ्लूट्स, और आयोनिक में रहते थे, डोरिक में बात करें 20 और आयोनिक में होते थे 24। लेकिन यहाँ पर कोई फ्लूट्स नहीं है, यहाँ पर पूरा जो कॉलम है प्लेन है। तो इस समय पता चल जाता है कि टस्कन ऑर्डर्स का ये कॉलम्स है। इसके बाद इन्होंने एक फोर्थ स्टाइल ऑफ कॉलम इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था, इनोवेट किया था, वो था कॉम्पोजाइट कॉलम। बेसिकली कॉम्पोजाइट कॉलम क्या था, जो आयोनिक और कॉर्निथल ऑर्डर्स थे ग्रीक के, उनको ही हाइब्रिड करके एक नया ऑर्डर ऑफ कॉलम्स निकाला, जिसमें आयोनिक और कॉर्निथल ऑर्डर्स दोनों के फीचर्स थे। हमने डिस्कस किया था कि जो कॉर्निथल ऑर्डर ऑफ कॉलम हुआ करते हैं वो बेल लाइक शेप में है। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके देख लो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें तो पिछली वीडियो से रिफ्लेक्ट करेंगी, उसमें थोड़ा सा रिलेट करेंगी। ओके, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कॉम्पोजाइट कॉलम्स में, इनकी जो शेप है वो बेल लाइक, इन्वर्टेड बेल लाइक शेप है, जैसे इसमें देख सकते हैं। और ये जो कर्व वाला एलिमेंट है ये लिया है हमने इन्होंने आयोनिक से, और जो इन्वर्टेड बेल वाला जो एलिमेंट है वो लिया है कॉर्निथल ऑर्डर से। तो बेसिकली यहाँ पर दोनों ही टाइप के ऑर्डर को हाइब्रिड कर दिया, मिक्स कर दिया। और जो वहाँ पर डेकोरेशन थी वो कैंटस लीव्स की, क्योंकि कॉर्निथल ऑर्डर ऑफ कॉलम्स में भी इसी टाइप की लीव्स का हम डेकोरेशन दिया करते थे, और हमें यहाँ पर भी सेम यही टाइप की लीव का डेकोरेशन देखने को मिलता है। तो इससे पता चलता है कॉम्पोजाइट है वो एक हाइब्रिड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है कॉलम्स का, रोमन स्टाइल में।
इसके बाद इनका सेकंड जो और बहुत इंपॉर्टेंट इनोवेशन है कंक्रीट, क्या हम कह सकते हैं रोमन कंक्रीट। रोमन कंक्रीट आज भी बहुत पॉपुलर टाइप का कंक्रीट है, मतलब आज तो इसे यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जब रोमन टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट था और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटीरियल एज ए यूज़ किया करते थे। रोमन कंक्रीट के साथ जितने भी स्ट्रक्चर्स बने थे उस टाइम में रोमन के टाइम में, वो आज भी काफ़ी हद तक सही सही स्ट्रक्चरली मतलब सेफ अभी भी हमें मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छी स्थिति में आज भी मौजूद हैं क्योंकि उनका जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो रोमन कंक्रीट से हुआ है। तो हम इससे पता कर सकते हैं जो रोमन कंक्रीट है काफ़ी अच्छा इनोवेशन था उनके टाइम का। तो ये बनाया करते थे, ये एक था स्लो ड्राइंग कंक्रीट, जैसा आज हमारा भी स्लो ड्राइंग, थोड़ा हमारा स्लो ड्राइंग ना रह के फास्ट ड्राइंग हो गया, क्योंकि आज अगर हम कोई मैसनरी करते हैं तो कुछ घंटों में ही वो सूख जाता है, लेकिन इनका ऐसा नहीं था, ये थोड़ा सा स्लो ड्राइंग कंक्रीट, ये रोमन जो कंक्रीट था बेसिकली ये किससे बनाए थे, पोजोलोना सैंड से इसे क्रिएट किया करते थे और इसको बनाया करते थे। इसके बाद इनकी जो मेसनरी टेक्निक्स हैं वो कुछ इस टाइप से हैं कि जो अगर इनको वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है, जैसे इस एग्जांपल में देख सकते हैं, इस इमेज में कोई एक वॉल इन्होंने कंस्ट्रक्ट करी है, तो वॉल का जो फ्रंट रहेगा, जो वॉल का फसाड रहेगा, वो उस फसाड में ब्रिक का यूज़ किया करते थे, क्योंकि ब्रिक ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करती थी, स्टोन नहीं हुआ करते थे इतना एक्सपेंसिव, तो क्योंकि ब्रिक ज़्यादा एक्सपेंसिव थी तो इसलिए सिर्फ इसे फसाड में यूज़ किया करते थे, और वॉल के पीछे का जो स्ट्रक्चर है उसे स्टोन से यूज़ किया करते थे, स्टोन और इनका रोमन कंक्रीट के साथ इसको बनाया करते थे, कंस्ट्रक्ट किया करते थे। तो इस टाइप से इनकी वॉल की टेक्निक्स हुआ करती थी। इसी के साथ साथ इन्होंने डोम्स भी बनाए, जो पैंथेनन में डोम्स है, इनका जो डोम है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग डोम है, और आज भी ये लार्जेस्ट अनरेनफोर्स डोम आज भी दुनिया का है, ये पैंथेनन में जो डोम्स हैं। तो इस टाइप से देखते हैं कि इन्होंने ब्रिक, इनके मैसनरी टेक्निक्स, इनकी कंक्रीट और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो इन्होंने डेवलप करी। ओके, तो कंस्ट्रक्टिंग वॉल्स, अगर हम वॉल टेक्निक की बात करें तो बेसिकली ये तीन टाइप की वॉल कंस्ट्रक्ट किया करते थे। सबसे पहला है ओपस रेटिकुलेटम, ओपस इंसर्टम और ओपर मिक्सटम। ओपस का सिंपल मतलब है बनाना, तो यहाँ पे तीन टाइप की वॉल ये कंस्ट्रक्ट करते थे। पहली टाइप का जो वॉल है ओपस रेटिकुलेटम, मतलब इसमें क्या है कि जो रेक्टेंगुलरली पैटर्न्स में ब्रिक को लाई किया करते थे, जैसे इस इमेज में ये रेक्टेंगुलर या डायमंड शेप पैटर्न्स में इसको ब्रिक को लाई किया करते थे और ये वॉल को इससे कंस्ट्रक्ट किया करते थे। और जो सेकंड मेथड है वो है ओपस इंसर्टम, इसमें बेसिकली क्या होता है, जो रैंडमली जितने भी रबल्स हुआ करते हैं, जो इरेगुलर शेप्स के स्टोन्स हुआ करते हैं, इसको एज अ रबल मेसनरी यूज़ किया करते थे ओपस इंसर्टम में। इसके बाद जो थर्ड फॉर्म है वो ओपस मिक्सटम है, बेसिकली ये मिक्सर ऑफ बोथ द टेक्निक्स, ये वाली टेक्निक्स और इस वाली टेक्निक्स को मिक्स करके इस सिंगल टेक्निक में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो बेसिकली ये था ओपस मिक्सटम, ये मिक्सर ऑफ टेक्निक्स थे दोनों की। तो इन तीन टाइप से जनरली वहाँ पे वॉल्स की टेक्निक हमें देखने को मिलती है इन रोमन आर्किटेक्चर। इसके बाद हमें आर्चिज और वॉल्स भी देखने को मिलते हैं इन रोमन आर्किटेक्चर में। तो रोमन वॉज फर्स्ट अडोप्ट द आर्चिज फ्रॉम ग्रीक्स एंड इम्प्लीमेंटेड देयर ऑल बिल्डिंग्स, मतलब कि इन्होंने जो आर्चिज को अडोप्ट किया था वो ऑब्वियसली ग्रीक आर्किटेक्चर से इन्होंने अडोप्ट किया था, और उसमें कुछ करेक्शंस करने के बाद ये अपनी बिल्डिंग्स में ये भी यूज़ करने लगे, क्योंकि आर्चिज हमें पता है कि आर्च इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग शेप, काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेप होती है, तो इसीलिए ये आज भी हम बहुत सारी हमारी जो आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स हैं आज भी हम मॉडर्न डेज की बिल्डिंग में भी आर्चिज को यूज़ किया करते हैं, और काफ़ी लोड कैरी करती थी, तो इसीलिए इन्होंने आर्चिज को बहुत डिफरेंट टाइप की बिल्डिंग्स में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि उन्होंने विक्ट्री आर्चिज बनाई, जैसे कोई भी एरिया को इन्वेड किया उसको जीत लिया तो वहाँ के लिए विक्ट्री आर्चिज बना लिए, बिल्डिंग्स में यूज़ किया। और मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ था इनका एक्वाडक्ट्स, इन्होंने एक्वाडक्ट्स भी कंस्ट्रक्ट करे, और मेनली जो इनका वन ऑफ द बेस्ट वर्क माना जाता है वो माना जाता है एक्वाडक्ट्स में। रोमन एक्चुअली जाने ही एक्वाडक्ट्स की वजह से जाने जाते हैं, तो इन्होंने एक्वाडक्ट्स कंस्ट्रक्ट किया। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो करेंगे बैरल और टनल वॉल्ट की। बेसिकली वॉल्ट क्या है, वॉल्ट सिर्फ कवर करना है ऊपर किसी भी एक वे को या फिर किसी भी चीज़ को ऊपर से कवर करना, वॉल्टिंग हो गया। अब यहाँ पर क्या है, टनल वॉल्टिंग, तो मतलब यहाँ पे एक इस टाइप की टेक्निक, टनल टाइप की टेक्निक है जिसको आपने कवर कर दिया, बेसिकली कोई एक रास्ता है या वे है उसको एज अ टनलिंग के तौर पर आपने इसको ऊपर से कवर कर दिया।
तो इसका बात क्या है, इसका सेमी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा, जैसे कि हमें पता है यह जो क्रॉस सेक्शन है इसका, ये सेमी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा। और ये क्या करते हैं, इनको एक बटरेस चाहिए होता है, ये एक बटरेस चाहिए होता है जिन्हें काउंटर, जो इनका वेट है उसको काउंटर एक्ट करके डाउन डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको प्लेस कर सके। तो बेसिकली ये क्या है, ये जो थिक वाला है जो पोर्शन है, बेसिकली ये है बटरेस। बटरेस का सिंपल से यही फीचर्स है, जो भी ऊपर का जो बैरल है और वॉल्ट है, इसका जितना भी लोड आएगा वो उसको सपोर्ट करेगा और नीचे ग्राउंड में डिस्चार्ज करेगा वो लोड, और ये जो आर्च या बैरल्स हैं इनको भी सपोर्ट करेगा स्ट्रक्चरली। तो बेसिकली एक सपोर्टिंग एलिमेंट है बटरेस। नेक्स्ट बात करेंगे ग्रोइंग वोल्ट की। ग्रोइंग वोल्ट कुछ नहीं है, बस 2 वोल्ट का इंटरसेक्शन वोल्ट है, मतलब एक तरह से क्रॉस वोल्ट से कह सकते हैं कि 2 वोल्ट्स हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो हमें इस इमेज में देखने को मिलेगा। तो जब 2 वोल्ट आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो एक ग्रोइंग वोल्ट निकलता है, या फिर इसे हम क्रॉस वोल्ट भी कह सकते हैं, क्रॉस वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे 2 वोल्टिंग का क्रॉसिंग हो रहा है। इस टाइप की टेक्निक में हमें कोई बटरेस की जरूरत नहीं होता, क्योंकि ये एज कम्पेयर टू टनल या वोल्टिंग ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है क्रॉस वोल्ट या फिर ग्रोइंग वोल्ट, ये ज़्यादा स्टेबल रहता है या फिर ज़्यादा मजबूत रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है मल्टी ग्रोइंग वोल्ट, मतलब कि इसको ऐसे समझें कि जितने भी क्रॉस वोल्ट हैं अगर वो क्रॉस वोल्ट का पैटर्न रिपीट होता जा रहा है बार बार, तो एक मल्टी ग्रोइंग वोल्ट हो गया। जैसे इस इमेज में देख सकते हैं कि इसका जो पैटर्न है वो बार बार रिपीट होता जाता है। तो हमें ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं जिनका जो पाथवेज होता है उसके ऊपर जो वोल्टिंग करते हैं तो वो मल्टी ग्रोइंग वोल्ट से वोल्टिंग किया करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक तरह से एक विंडो निकल के आती है, उस विंडो क्लेरिस्टोरियस विंडोज इसको हम बोलते हैं। तो बेसिकली स्काई लाइट्स के एक्ट करती हैं। तो ये वाली जितने भी आप स्पेस देख पा रहे हैं, ये वाली जो स्पेस है ये बेसिकली वो विंडो का एक्ट करती है, और ये हमें मल्टी ग्रोइंग वोल्ट में इस टाइप की विंडोज हमें देखने को मिलती हैं, और ये उस हॉलवेज में लाइट प्रोवाइड करती हैं, लाइट एंट्री अलाउ करती हैं। हाँ, बेसिकली आप इस इमेज में यह देख सकते हैं, तो ये वाली जो जितनी विंडोज होती हैं जो क्लिस्टोरियस विंडोज कहते हैं, और ये एक चर्चिज में या फिर किसी भी एक बिल्डिंग के इंटीरियर में लाइटिंग प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, कंक्रीट विंडो होती हैं तो इसीलिए फायर प्रूफ भी होती हैं ये विंडोज। इसके बाद नेक्स्ट है डोम्स। डोम्स बेसिकली एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, इसको भी एक डोम भी एक वॉल्टेड स्ट्रक्चर है। वॉल्टेड मतलब जैसा मैंने बताया कि ये कोई भी एरिया को ऊपर से अगर आपने कवर कर दिया तो ये डोम लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये एक डोम शेप में होता है, और इसको भी कंस्ट्रक्ट किया गया था विदाउट एनी रेनफोर्समेंट। जैसे आज के टाइम में कोई स्टील बार का रेनफोर्समेंट होता है, तो इसको विदाउट किसी एनी रेनफोर्समेंट के कंस्ट्रक्ट किया गया था। ये वाला जो डोम देख रहे हैं तो पार्थेनन का एक डोम है, और बेसिकली ये एक पब्लिक बिल्डिंग्स में यूज़ किया करते हैं, जैसे कि बेसिलिका या बेसिलिकास जो होती है ना, बेसिलिका सिस्टम कह सकते हैं, जैसे पब्लिक मीटिंग्स जहाँ पर किसी भी एक बिल्डिंग्स में इनकी पब्लिक मीटिंग्स हुआ करती थी, या और पब्लिक गैदरिंग्स जहाँ पर हुआ करती थी। तो एक काफ़ी बड़े एरिया में ये डोम्स को कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, जितनी भी क्राउड है जितने भी पब्लिक्स हैं उसको हैंडल करने के लिए अंडर अ सिंगल रूफ। तो ये काफ़ी लार्जर स्पैन में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, और ऊपर से ये ओपन इसको रखा गया है जिससे क्या जो नेचुरली जो डे लाइट है वो यहाँ पर एंटर कर सके, और अंदर का जो एरिया है वो डार्कनेस ना रहे, वहाँ पर भी नेचुरल लाइटिंग आती रहे। तो इस टाइप से इनकी डोम की टेक्निक थी। ये सिलेंड्रिकल डोम यहाँ पे देख सकते हैं, जो इसका बेस है ये सर्कुलर बेस है, उसका डोम है ये भी सर्कुलर है, और ऊपर जो नेचुरल डे लाइटिंग का लिए जो एलिमेंट या जो भी स्पेस छोड़ा जाता है उसे ओकुलस बोलते हैं, जो कि ऊपर का एक छोटा सा हिस्सा रहता है जो कि काफ़ी थोड़ा सा खुला रहता है नेचुरल डे लाइट के लिए। इसके बाद बात करेंगे एक्वाडक्ट्स की। एक्वाडक्ट्स बेसिकली कह सकते हैं कि पब्लिक वाटर सप्लाई में एक टेक्निक यूज़ होती है। बेसिकली इसका काम था जितनी भी वाटर का सोर्स हैं उसको मैच करना सिटी तक। होता क्या था कि जो रोम सिटी में पानी नहीं था, मतलब देर वाज़ नॉट इनफ वाटर इन द सिटी ऑफ रोम, तो वहाँ पे एक वाटर क्राइसिस ना हो, इसीलिए जो रोमन के किंग्स थे उन्होंने एक सोर्स ऑफ वाटर से अपनी सिटी तक के वाटर के लिए एक पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट करवाई। इसे कह सकते हैं इस काइंड ऑफ पाइपलाइन, इसमें वाटर का फ्लो हुआ करता था। तो सिटी से जितना भी हायर एरिया पर जो भी सोर्स ऑफ वाटर था वहाँ से इसको
पूरी पाइप इस जो एक्वाडक्ट से उसको कंस्ट्रक्ट करवाया और हायर सोर्स से लोअर सिटी एरिया में वाटर की सप्लाई पूरी हुई। इसको इस टाइप से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास ये सिटी है, रोम सिटी है या कोई सी भी सिटी है, और यहाँ पे हमारा सोर्स ऑफ वाटर है, तो इस एक्वाडक्ट के थ्रू वो वाटर को कैरी किया जाएगा। जो एक्वाडक्ट चैनल है इसको कैरी किया जाएगा और इस चैनल से वाटर हमारी सिटी तक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये एक्वाडक्ट चैनल्स हैं, काफ़ी छोटे चैनल्स हुआ करते हैं, जैसे इस इमेज में देख सकते हैं, जिसका क्रॉस सेक्शन काफ़ी छोटे चैनल्स हैं। और इस एक्वाडक्ट के चैनल को सपोर्ट करने के लिए नीचे एक सीरीज ऑफ आर्चेस लगाई जाती है। ये सीरीज ऑफ आर्चेस होती हैं और ये एलिवेट करती हैं, जितना भी एक्वाडक्ट चैनल है उसको एलिवेट करती हैं ऊपर की तरफ, और एक फ्लो भी मेंटेन करती हैं। एक हमें ग्रेविटेशनल फ्लो भी चाहिए इसको फ्लो करने के लिए, तो हो सकता है ये वाला हिस्सा थोड़ा सा हायर हो और ये वाला हिस्सा थोड़ा सा लोअर हो। तो ये एक्वाडक्ट जिससे क्या वाटर को पूरा इस तरह से ग्रेविटेशनल फ्लो मिलेगा। तो ये जो एक्वाडक्ट के चैनल्स को सपोर्ट करती हैं ये आर्चिस, और आर्चिस के ये बटरेसिस होते हैं जिससे आर्चिस को सपोर्ट मिलता है। और जो एक्वाडक्ट चैनल होता है, जरूरी नहीं है ये ओपन हो, ये कभी कवर्ड भी होता है। तो कंक्रीट की लाइनिंग के अंदर ये कवर्ड भी होता है। तो ये एक्वाडक्ट चैनल है, ये कंप्लीटली कवर्ड भी हो सकते हैं या ओपन भी हो सकते हैं। तो ये बेसिकली ये ग्रेटेस्ट इन्वेंशन था रोमन्स का, और इससे जो रोम में जो वाटर क्राइसिस है वो पूरा खत्म हुआ और जो रोम को एक रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर मिलता रहा। तो इस पूरी चीज को हम कहेंगे एक्वाडक्ट्स, एक्वाडक्ट्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसे याद रखना। इसके बाद बात करेंगे रोड्स। रोमन के रोड्स भी काफ़ी स्ट्रांग हुआ करते थे, तो इनकी जितने भी आर्मी हुआ करती थी उनको भी क्रॉस हो आर्मी के लिए क्रॉसिंग के लिए एक रोड चाहिए था या फिर एक रास्ता चाहिए था जो कि काफ़ी स्ट्रांग हो। प्लस वहाँ पे ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो गई थी, जो ट्रेडर्स का भी आना जाना रहता था सिटीज़ में, तो इसीलिए एक डिमांड हुई कि हमें एक कह सकते हैं कि पक्का रोड चाहिए। तो वेल प्रिपेयर्ड कंस्ट्रक्टेड रोड जो था, जो कि सारे वेदर्स को ले सके, मतलब जितने भी रेनफॉल होता है विंटर समर में जितने भी वेदर्स हैं, तो एक वेदर प्रूफ रोड वहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुआ। और ये काफ़ी अच्छा रोड था, आज के टाइम जैसा नहीं जो बनाती हैं और टूट जाता है। तो इन्होंने भी अपने रोमन कंक्रीट का इसमें यूज़ किया, स्टोन का यूज़ किया। तो ये कुछ रोड्स का सेक्शन है जिसको आप एक बार वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, एक एक चीज़ इसमें आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें आपको समझ में आएगा कि इनका जो रोड्स थे, जो रोमन्स के रोड थे, क्यों स्ट्रांग हुआ करते थे, और क्योंकि इनका बेसिकली ये रोमन कंक्रीट से इनका कंस्ट्रक्शन रहता था, स्टोन और रोमन कंक्रीट का, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल से यूज़ किया करते थे रोड्स में। बात करेंगे कुछ रोमन बिल्डिंग्स की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है रोमन आर्किटेक्चर को स्टडी करने के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे पब्लिक एंटरटेनमेंट बिल्डिंग जो कि एम्पी थिएटर है नाइम्स। नाइम्स का जो एम्पी थिएटर है, जिसकी जनरली सिटिंग अबाउट 20,000 पीपल को ये सिटिंग प्रोवाइडेड है इसमें। तो बेसिकली ये एक एम्पी थिएटर है, थिएटर है जहाँ पे जितने भी ड्रामास और प्ले हुआ करते थे, और ये 20,000 पीपल को होल्ड करने के लिए केपेबल था। तो उस टाइम के लिए आप इमेजिन कर सकते हैं, काफ़ी एक बड़ा एरिया होता है, जितना जनरली आज का जो स्टेडियम्स होते हैं वो भी अब 20-30-40,000 की सिटिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करने लगे हैं। तो ये रोमन के टाइम की एक बिल्डिंग है जो 20,000 सिटिंग प्रोवाइड करता, तो काफ़ी बड़ी बिल्डिंग्स हुआ करती थी। और इसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया था कि वहाँ पर एक अलावा क्विक एंट्री एंड एफिशिएंट एग्जिट, मतलब कि आप उस बिल्डिंग में एक तरह से क्विकली एंटर कर सकते हैं। कोई भी बाहर एक मास गैदरिंग या फिर भीड़ लग जाती है किसी भी थिएटर के बाहर या सर्कस के बाहर, जैसा आज हम देखते हैं, तो ऐसा नहीं था वहाँ पर। ये तो एक क्विक एंट्री प्रोवाइड किया करता था, और जैसे कोई शो या प्ले खत्म हुआ, ड्रामा ओवर हुआ, तो एक साथ बहुत सारी भीड़ बाहर की तरफ भागेगी, तो वो जो क्राउड है, उस मूवमेंट का जो क्राउड है वो भी हैंडल कर सकता था। तो काफ़ी एडवांस था अपने टाइम पर ये बिल्डिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरी पब्लिक एंटरटेनमेंट बिल्डिंग की, जो कि रोम है, रोमन कॉलोजियम। हम सबको पता है रोम की काफ़ी फेमस बिल्डिंग है, वन ऑफ द सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड्स में भी है रोमन कॉलोजियम। तो बेसिकली रोमन कॉलोजियम था क्या? रोमन कॉलोजियम एक स्टेडियम लाइक स्ट्रक्चर था ये भी, जो कि एक इवेंट, ग्लैडिटोरियल इवेंट हैंडल किया करता था। जो कॉन्टेस्ट हुआ करते थे मैन वर्सेस मैन के, मैन वर्सेस एनिमल के, और एनिमल वर्सेस एनिमल के, तो ये टाइप के जितने भी इवेंट हुआ करते थे उसको हैंडल किया करता था ये कॉलोजियम। तो यहाँ पर भी सिटिंग अरेंजमेंट थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्चिस का बहुत, जो सेमी सर्कुलर आर्चिस है
तो इसका यूज करते हुए इन्होंने काफी हाइट तक इस कॉलोजियम को कंस्ट्रक्ट किया था। और इसी के साथ साथ इसमें कंफर्टेबल सिटिंग थी, लोगों को सिटिंग प्रोवाइड कर रखी थी। और जो मेन इसका जो पॉइंट था, जैसे मैन वर्सेस मैन, मैन वर्सेस एनिमल, और एनिमल वर्सेस एनिमल की जब भी फाइट हुआ करती थी तो हो सकता है ब्लड्स निकलते थे वहां पर, और किसी की डेथ हुई, एनिमल की डेथ हुई या फिर ह्यूमन की डेथ हुई, तो वहां पर एक ब्लड हुआ करता था। तो ब्लड को भी वॉश अवे करने के लिए यहाँ पे एक परफेक्ट प्लम्बिंग सिस्टम इस कॉलोजियम में, उस टाइम का काफी अच्छा कॉलोजियम था ये। ठीक है, तो कॉलोजियम जो कंस्ट्रक्ट हुआ था अराउंड 70 से 82 AD के अराउंड ये कंस्ट्रक्ट हुआ था। ये इसका एरियल व्यू देख सकते हैं, इस टाइप से कॉलोजियम था। और इसमें 87,000 की सिटिंग कैपेसिटी थी, बहुत ज़्यादा सिटिंग कैपेसिटी थी इसकी 87,000 की। और ये बनाया गया था मैसनरी और कट स्टोन से, बेसिकली कट स्टोन स्ट्रक्चर है इसका सारा। हम देख सकते हैं इसमें स्टोन मोर्टार, ब्रिक्स, आयरन क्लैम्प्स का, इन सब चीज़ों का इसमें यूज़ किया गया है। और एम्पी थिएटर है, पब्लिक इवेंट को गैदर कर सकता है ये। इसके साथ साथ कुछ आर्किटेक्चर्स इसमें फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे आर्चीज, कॉलम्स, आर्केड्स एंड पोडियम्स, ये कुछ टाइप के आर्किटेक्चरल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं इस कॉलोजियम में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग हो जाती है रोमन आर्किटेक्चर के लिहाज से। इसके बाद बात करेंगे पैंथेनन की। पैंथेनन का एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कब था ये हमें नहीं पता, स्टिल अननोन, लेकिन इसको बाद में रीबिल्ड करवाया गया था 126 AD में। तो एक ये पैंथेनन एक तरह से रोमन टेम्पल हुआ करता था, जो कि जितने भी गॉड्स थे उनको ऑनर करने के लिए ये एक टेम्पल उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था पैंथेनन। बेसिकली पैंथेनन का स्ट्रक्चर ये हम फ्रंट फसाड देखते हैं तो इसका सिमिलर लाइक टू पार्थेनन जो ग्रीक आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है, कुछ कुछ वैसा सिमिलर है। लेकिन इसके पीछे यानी सेंटर की तरफ एक बड़ा सा डोम देखने को मिलेगा, जो कि द पैंथेनन डोम इज द स्टिल द लार्जेस्ट अनरेन्फोर्समेंट कंक्रीट डोम इन द वर्ल्ड। मतलब इनका कोई रेन्फोर्समेंट इन्होंने यूज नहीं किया डोम में, और ये लार्जेस्ट अनरेन्फोर्समेंट डोम है आज भी। तो और हमें इसमें ऑक्युलस देखने को मिलता है, सेम जैसा कि हमने डिस्कस किया था कुछ देर पहले। तो ये सारी चीज़ें हमें पैंथेनन में देखने को मिलती है। तो बेसिकली कंक्लूजन इस वीडियो का हम ये कह सकते हैं कि जो रोमन थे वो बहुत ब्रिलियंट इंजीनियर्स थे, इन्होंने जो ग्रीक से ज़्यादा इनका अच्छा वर्क था एज कंपेयर टू इंजीनियरिंग में अगर देखें तो इनका ज़्यादा अच्छा वर्क था, ज़्यादा अच्छे इंजीनियर्स हम इसको कह सकते हैं ग्रीक से। अगर हम कंपेयर करें तो रोमन का हमेशा कंपेरिजन ग्रीक से होता है, तो उनके कंपेरिजन बहुत अच्छे इंजीनियर्स थे। और इनके कुछ ऐसे इंजीनियरिंग बेसिस हैं जो आज भी हम अपने बिल्डिंग्स में यूज़ करते हैं। तो ओवरऑल जो ग्रीक आर्किटेक्चर से काफ़ी बढ़िया आर्किटेक्चर था रोमन आर्किटेक्चर। ठीक है, तो फिलहाल यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या इस रोमन आर्किटेक्चर से टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक से। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करें। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।